I've just parked my vehicle over here. और यहाँ पे ये जिंदगी रोड, can see a lot of people. अच्छी हवाएं चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है. बहुत सारी कार जा रही है बट डिस्टर्बिंग अस. So hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing absolutely fine. So today we are in Goa. Last night हम लोग निकल गए थे but कुछ ज़्यादा shoot करने के लिए था नहीं. So now I'm starting the vlog. We are in the villa right now. This is the pool. तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं, तो यहाँ पे से हम लोग अभी कोई सनसेट वगैरह देखने जाएंगे कोई बीच पे, तो तभी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आगे. अभी तो मैं बस व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे हम लोग सुबह से आके बस ऐसे ही रूम में पड़े थे, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे. तो यहाँ पे मेरे कजिन्स हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में यहाँ पे आया हूँ गोवा 4-5 दिन के लिए. ये मेरा कज़िन है, हाय हेलो. और यहाँ पे सब लोग हैं बट वो लोग कम्फर्टेबल नहीं है तो कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इसलिए उन लोग को थोड़ा साइड में हटा दिया है. तो चलो अभी यहाँ पे से कहीं फ्रेश होके जाएंगे, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग. बाय. सो यस गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, आई एम ऑल सेट. कल तो यार आप लोगों को जैसा पता है दैट इट गॉट वेरी लेट, तो हम लोग ने फिर कुछ गए नहीं कहाँ पे. तो आज हम लोग असली एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. एंड दिस इज हाउ माई आउटफिट लुक्स, फुल गोवा वाइब्स. स्कूटीज आर ऑलरेडी आउट, फाइनली हेडिंग आउट. 3:30 बजे हम लोग का यहाँ पे निकलने का टाइम हो गया है. एंड दीज आर ऑल आर व्हीकल्स. को फैसिनो दिख रहे हैं सब, हम लोग ने रेंट किया है. कुछ 800 पर डे चल रहा था तो उस हिसाब से हम लोग ने 2 दिन के लिए बुकिंग किया. टुडे इज फ्राइडे बाय द वे, तो फ्राइडे से लेके संडे तक, संडे इवनिंग में हम लोग वापस निकलेंगे तो तभी वापस दे देंगे. सब कुछ लाल लाल. By the way, we are staying here in Kendoli, जहाँ पे ये पेट्रोल पम्प. तो पेट्रोल भरा के पहले जा रहे हैं हम लोग डियर जिंदगी रोड. तो आप लोग ने नाम सुना होगा पैरामाउंट रोड, पहले वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आगे का प्लान बताता हूँ मैं आप लोग को. वेरी फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दैट इज डियर जिंदगी रोड, हमारे विला से कुछ 15 मिनट की दूरी पे है. और ये फैशन देखो एकदम नई है, सिर्फ 1100 किलोमीटर ही चली है. तो ये कोई तो चर्च आया है यहाँ पे, लुक्स रियली नाइस. RIP मोरना उपरांत, मोरना उपरांत सुखद चर्च जीवी, क्या लिखा है. ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही, अच्छा है. मैं अपना हेलमेट लेके नहीं आऊँ, नहीं तो हेलमेट से ही माउंट करता था मोटो ब्लॉगिंग, बट मैं अभी ऐसे एक हाथ से कर रहा हूँ. माय वन हैंड इज इनफ. रास्ते मस्त है एकदम, ऐसे कर्वी कर्वी छोटे छोटे. आई थिंक वी हैव रीच्ड हियर, वो रहा रोड डियर जिंदगी रोड. वाओ, जो दिल ना लगे. It has become quite famous after the movie. So I've just parked my vehicle over here. और यहाँ पे ये जिंदगी रोड, can see a lot of people. अच्छी हवाएं चल रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है. तो बहुत सारी कार जा रही है बट डिस्टर्बिंग अस. फोटोग्राफी अभी करेंगे यहाँ पे. वी वॉन्ट टू सी द पिक्चर्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्रफुल्ल कोहली व्लॉग्स. Yes guys, then we date. अभी हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच, which is not really far, पास में ही है. तो ओनली प्रॉब्लम इन गोवा इज़ कि बहुत दूर दूर है सब जगह, मतलब बीच पे बहुत डिस्टेंस है, तो ट्रैवलिंग में यू गेट अ बिट इरिटेटेड. बट रास्ते अच्छे हैं, स्कूटी ऐसे रेंट करो और मजे करो. सो वी आर हियर एट दिबाका बीच, वी हैव पार्क द व्हीकल ओवर देयर. और यहाँ पे सनसेट बस होने ही वाला है, हम लोग पहुँच गए टाइम पे. बहुत गाय गाय में आए यहाँ पे.
द थिंग इज देर आर लॉट ऑफ पीपल ब्लॉकिंग द सनसेट, जिसकी वजह से अच्छे कुछ पिक्चर्स वीडियोज़ नहीं आ सकते बिकॉज वो लोग कहाँ कहाँ एंड तक गए, तो उसके वजह से पूरा व्यू ब्लॉक हो रहा है. और इतना ये साइड से ही दिख रहा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखा है बागा बीच. थोड़ी देर पहले वो साइड पे थे अंजुना बीच एंड दिस इज बागा बीच. हो यार जो ये पार्ट है ये कब होता है, यहाँ पे दूसरा बीच इन लोग ने बागा नाम रख दिया है, दोनों सेम ही है. और ये लिटअप होगा थोड़ी देर में, मस्त लगेगा. देर इज समथिंग काइंड ऑफ अ लेक कनेक्टिंग द सी ओवर हियर, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे से. अभी तो कुछ नहीं, अभी अंधेरा हो गया, यहाँ पे ओनली अल्कोहल. तो हो गया सनसेट, डिडंट गेट अ प्रॉपर ग्लिम्स बट ठीक है. अभी वहाँ पे कोई पैराग्लाइडिंग भी कर रहा है, हम भी करेंगे वाटर स्पोर्ट्स कल या परसों. There are a lot of shirts. I am thinking of buying one. Thoda aisa Goa vibe mein. This is just outside Bagha Beach. So yes guys, that's it for Bagha Beach. We enjoyed a lot.